डियर स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ रहे थे कि एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है, इसकी इनपुट आपको एक्स जो प्लेन टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और के जो सीक्रेट की को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये सीक्रेट की शेयर हो रही है सेंडर को भी और रिसीवर को भी। तो जब आप इस पे एनक्रिप्शन अप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ पे, आप प्लेन टेक्स्ट पे और इसके सीक्रेट की मदद से, तो जो आपको साइफर टेक्स्ट मिल रहा है जिसको आप वॉइस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप सेंड कर रहे हैं रिसीवर, ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीवर की तरफ, और रिसीवर के पास डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो कि बेसिकली उस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का रिवर्स है, और वो एक सीक्रेट की मदद से इस सीक्रेट की मदद से उस साइफर टेक्स्ट पे, तो ये साइफर टेक्स्ट है, इस डिक्रिप्शन एल्गोरिथम की इनपुट बनती है और ये के भी आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको डिक्रिप्शन जब आप अप्लाई करते हैं इस के और वाई की मदद से, तो आपको ये एक्स मिलता है। एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका प्लेन टेक्स्ट है। इस स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं कि आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जब कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की सिक्योरिटी जो है बहुत अच्छी हो, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का स्ट्रॉन्ग होना। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके जो आप एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, अगर जो सिक्योरिटी को ब्रीच करने वाला ओपोनेंट है, अगर वो इस एल्गोरिथम को जानता भी है और उसको इस एल्गोरिथम की एक्सेस भी है, तब भी वो उस साइफर टेक्स्ट से को डिसाइफर ना कर सके। तो इस मीन्स के आपका एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और वो एल्गोरिथम चाहे उसका जो ओपोनेंट है उसको उस एल्गोरिथम की अगर समझ भी है, तब भी वो उसकी जो है आपको सिर्फ जो आपको जो आपने स्क्रैम्बल्ड मैसेज जो है आपका उसको डिसाइफर ना कर सके, मीन्स उसको ओरिजिनल मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सके, या वो की को फिगर आउट ना कर सके और की का ना वो उसको गैस कर सके कि इसकी किस की मदद से उसको मैं आपका जो जो आपने इंक्रिप्शन की है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि सेंडर और रिसीवर जो हैं, जो सीक्रेट की को यूज़ कर रहे हैं और सीक्रेट की दोनों की सेम है, उनको जो वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिक्योर फैशन में कर रहे हैं, कि मीन किसी कोई और उस सीक्रेट की एक्सेस हासिल ना कर सके, और फिर वो उस की को भी वो सिक्योर रखें इन फ्यूचर, क्योंकि इस की का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर की सिक्योर नहीं रहेगी तो डाटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, लास्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी जनरल अप्रोचेज हैं जो जिनकी मदद से आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम पर अटैक कर रहे हैं, यानी जो आपके अपोनेंट्स होते हैं, कौन सी अप्रोचेज को यूज़ करते हुए इस सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पर अटैक करके वो कुछ हार्म पहुंचाना जा रहे हैं। पहला अटैक क्या है, क्रिप्ट एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि अटैकर जो होता है वो नेचर ऑफ एल्गोरिथम को स्टडी करता है कि एल्गोरिथम की नेचर क्या है, वो किस तरह का बना हुआ है और वो किस तरह की इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहा है। इसके अलावा कुछ नॉलेज उसको होता है प्लेन टेस्ट का, जनरल करेक्टरिस्टिक्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेन टेस्ट जो है वो नंबर्स हैं, टेक्स्ट है या किसी और शेप में है, या इवन
अगर उसको प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट पेयर मिल जाए तो वो उन दोनों को एनालाइज करके जज कर सकता है कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस तरीके से हो रही है या क्या की यूज़ हो रही है। दूसरा मेथड क्या है? ब्रूट फोर्स अटैक। इस अटैक में जो आपका अटैकर है वो तमाम पॉसिबल कीज़ को ट्राई कर रहा होता है और वो कोशिश कर रहा होता है कि ऐसी उसे की मिल जाए जिसकी मदद से वो ट्रांसलेशन कर सके। ऑन एवरेज वो जितनी भी पॉसिबल कीज़ हो सकती हैं उसका हाफ जो है वो ट्राई करता है कि उसे उसे सक्सेस मिल जाए। तो अगर ब्रूट फोर्स के थ्रू वो सक्सेस अचीव कर लेता है, उसे सीक्रेट की मिल जाती है, तो इट मीन्स कि वो ईजिली जो है वो बेसिकली सिमेट्रिक इनक्रिप्शन को वो समझ लेता है और किसी भी साइफर टेक्स्ट को वो कन्वर्ट कर लेता है ओरिजिनल मैसेज में। तो इट मीन्स कि जनरल अप्रोचेज क्या हैं? पहली है क्रिप्ट एनालिसिस और दूसरी है ब्रूट फोर्स अटैक। क्रिप्ट एनालिसिस में क्या कर रहा है? वो नेचर ऑफ एल्गोरिथम को स्टडी करके एक्चुअली वो डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी अप्रोच में ब्रूट फोर्स अटैक में वो तमाम कीज़ को पॉसिबल कीज़ को ट्राई कर रहा होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।